धन्य अस्मि भारतवेन, मैं धन्य भाग्य हूं कि मेरा अवतरण भारत भूमि में हुआ। भारत वैभव की पराकाष्ठा देखी है हमारे देश ने। नंदकाल से होते हुए तत्पश्चात मौर्य काल से होते हुए भारत गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ा, जहां शौर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, नैतिकता, किसी भाव की अपूर्णता नहीं थी। जब गुप्त साम्राज्य का अवसान हुआ तो भारत अनेक राज्यों में बट गया और एक समय ऐसा भी आया जब भारत हो गया विभिन्न राज्यों में विभक्त भारत, विभग्न भारत। परंतु एक कालखंड ऐसा भी था जब धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धा विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र को एक नया मार्ग दिखाने के लिए उद्यत थे। आज हम सुनेंगे कथा ऐसे ही एक महान हिंदू राजा की। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अतुल मिश्रा अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नवीनतम अंक में आपको परिचित कराऊंगा एक ऐसे शासक से जिन्होंने राम राज्य का अनुसरण करने का प्रयास भी किया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए दिन रात एक कर दिए। इन वीर शासक का नाम है सम्राट शशांक, जिनके शौर्य से उनका गृह राज बंगाल तक अपरिचित है। आइए अविलंब आरंभ करें। यह वह समय था जब यशस्वी गुप्त साम्राज्य के राजनैतिक विघटन के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में 6वीं शताब्दी के अंत में गौड़ साम्राज्य अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण, जिसके अवशेष वर्तमान बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद नगर में आज भी व्याप्त हैं। एक समय तो सम्राट शशांक का वर्चस्व पूर्वी भारत के कोने कोने में व्याप्त था। सन 590 से 637 तक गौड़ साम्राज्य की कीर्ति पूर्वी भारत में चहुं ओर व्याप्त थी। परंतु सम्राट शशांक इतने शक्तिशाली कैसे बने? इसके विषय में हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट एवं चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान वेनसांग या युआन यांग के संस्मरणों में खूब मिलता है। परंतु दोनों ने ही सम्राट शशांक को एक क्रूर, नीच और कपटी शासक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकते थे। बाणभट्ट के हर्षचरित को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप राजा शशांक नहीं वरन किसी असुर के विषय में पढ़ रहे हैं। हर्षचरित की माने तो शशांक सम्राट हर्षवर्धन के सबसे विकट शत्रु थे। ये सम्राट हर्षवर्धन कोई और नहीं पुष्यभूति वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन थे, जो एक समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते थे। हर्षचरित के अनुसार सम्राट शशांक ने देवगुप्त की सहायता से हर्ष के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या की थी और उनके सिंहासन को आक्षिप्त करने का प्रयास किया था। परंतु जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो मुख होते हैं और यहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही है जिसकी ओर हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट प्रकाश नहीं डालना चाहते। उस समय उत्तरी और पूर्वी भारत की राजनैतिक परिस्थितियों ने सुनिश्चित किया कि किसी भी योग्य शासक को पहले अपनी स्थिति शक्तिशाली करनी होगी। सम्राट शशांक को इस बात का आभास हुआ और उन्होंने अविलंब महासेन गुप्त के पुत्र देवगुप्त के साथ मित्रता की, जिसके कारण इन्हें हर्षवर्धन से शत्रुता मोल लेनी पड़ी। सम्राट शशांक हर्षवर्धन के लिए पूर्वी भारत में वही थे जो दक्षिण भारत में चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय सिद्ध हुए। हर्षवर्धन के साथ सम्राट शशांक ने अनेकों युद्ध लड़े, कुछ में वो विजयी हुए तो कुछ में नहीं। परंतु इतना तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर्षवर्धन की कीर्ति कान्यकुब्ज अर्थात वर्तमान कन्नौज से आगे विस्तृत न हो, और हुआ भी वही। कहने को शशांक अनेकों स्थान पर युद्धप्रिय सम्राट के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पश्चात राजनैतिक अस्थिरता से परिपूर्ण युग में अपनी स्थिति में सुधार हेतु अनेकों संधियों को समाप्त किया और सहयोगी बनाए। सम्राट शशांक ने पुष्यभूति वंश के साथ युद्ध निरंतर रखा। हर्ष जैसे दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली विरोधी के सामने भी वह सत्ता में बने रहे। वह राज्य का विस्तार करना चाहते थे और वह कर भी सकते थे। उन्होंने क्षेत्रों को विजित करना और अधिभूत करना चुना। इन सब में वह अपने समय के किसी अन्य राजा से इतर नहीं थे। वेनसांग या युआन यांग के संस्मरणों के अनुसार शशांक के राज्य ने वर्तमान समय के ओडिशा राज्य में मगध और गंजम सहित कई क्षेत्रों को सम्मिलित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वयं शशांक ही थे जिन्होंने स्वयं इन अभियानों का नेतृत्व किया। 619 से लेकर 20 ईस्वी के इनके शिलालेखों में उन्हें महाराजाधिराज अर्थात
महान राजाओं के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, जो द्वीपों, पहाड़ों और नगरों के साथ साथ चार महासागरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। यह उपाधि राजकीय गुप्त उपाधियों की तुलना में भव्यता में तो कम थी, परंतु वंग राजाओं के साधारण महाराज अर्थात महान राजा की तुलना में अधिक शक्ति और अधिकार दर्शाती। प्रशासन की दृष्टि से कुल मिलाकर जो व्यवस्था गुप्त साम्राज्य में व्याप्त थी, उसे सम्राट शशांक के राज्य में यथावत रखी गई। भुक्ति और नीचे जैसे प्रशासनिक प्रभाग पुरानी पद्धति पर निरंतर है। राजा ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को गुप्त शैली में आदेश प्रेषित किए। धार्मिक नीति में भी सम्राट शशांक अत्यंत निपुण थे, क्योंकि वे अनन्य शिव भक्त थे। शशांक ने सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का समर्थन किया और बौद्ध धर्म के उपासकों द्वारा आचरण का लंघन करने पर उन्हें दंड देने से भी नहीं हिचकिचाए। शशांक की मुद्रा स्पष्ट रूप से उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाती है। भगवान शिव को एक तरफ उनके वृषभ के साथ चित्रित किया गया, जबकि दूसरी तरफ समृद्धि की देवी लक्ष्मी को भी अंकित किया गया है। गुप्तकाल की मुद्राएं अपनी अद्वितीय कलाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, परंतु शशांक और उनकी उत्तराधिकारियों की स्वर्ण मुद्राएं भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। ऐसे में यह कहना अतार्किक नहीं होगा कि सम्राट शशांक का गौड़ राज्य राम राज्य के पदचिन्हों पर अग्रसर, लेकिन दुर्भाग्यवश यह राम राज्य अनुकरणी वंश अधिक समय तक अक्षुण्ण नहीं रह पाया। सम्राट शशांक की मृत्यु के साथ गौड़ वंश की अवनति भी प्रारंभ हो गई। जिस गौड़ वंश को सम्राट शशांक ने हर्षवर्धन और कामरूप के सम्राट भास्कर वर्मन से सुरक्षित रखा था, वो उनके मृत्यु के पश्चात उन दोनों में बट गई। सम्राट शशांक के पश्चात आने वाले गौड़ राजाओं में न वो बुद्धि कौशल था, न रण कौशल, और वीर्य तो नहीं ही था। वे इतने अवीर्य थे, इतने महत्वहीन थे कि ऐतिहासिक स्रोतों में उनका उल्लेख भी नहीं है। गौड़ वंश के पश्चात पाल वंश का उद्भव प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात गौड़ वंश इतिहास के पृष्ठों तक ही सिमट गया, एवं धर्म की ध्वजा जो कभी गर्व से लहराती थी वह पुनः बंगाल की धरती पर नहीं लहराई। बंगाल सदैव से भारत का धर्म ध्वज वाहक रहा है। सम्राट शशांक से लेकर बंकिम चंद्र, तत्पश्चात माता काली के परम उपासक रामकृष्ण परमहंस और उनके देवतुल्य शिष्य नरेंद्रनाथ दत्ता अर्थात स्वामी विवेकानंद। आज बंगाल अराजकता का पर्याय है। मंदिर और मठ तो आज भी हैं, पर अपने भाग्य को रोते हैं। बंगाल में कभी धर्म की ध्वजा गर्व से लहराती थी और लोगों को अपने शास्त्रों का अनुसरण करने के लिए मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता था। हम नमन करते हैं सम्राट शशांक जैसे वीरों को, जिनके कारण बंगाल की पावन माटी आज भी गौरवशाली है। यह कथा थी राम राज्य का अनुसरण करने वाले एक अनन्य शिव भक्त राजा की। यह कथा थी गौड़ साम्राज्य के शौर्य की। यह कथा थी बंगाल के वैभव और पराभव की। ऐसे ही अन्य अंकों के साथ मैं उपस्थित होता रहूंगा, अनटोल्ड हिस्ट्री के अन्य अंकों के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम।